पॉलिसी में अब तक क्या हो गया तुम लोग का? तो आरएसी में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ लिए। रेफ्रिजरेशन का कितने तरह का मेथड पॉसिबल पढ़ना है, जितना तुम लोग सिलेबस में इंक्लूडेड है उतना तरह का सिलेबस हम लोग पढ़ लिए। अब क्या पढ़ना है हम लोग सिलेबस में, तो पार्टिकुलर एक एक कंपोनेंट को पढ़ना है, ठीक है। जो रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो कंपोनेंट इस्तेमाल हो रहा है हम लोग इस यूनिट में उसको एक एक करके पढ़ेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू के लिए एक बार देख लो कि सबसे मोस्ट कन्वेंशनल टाइप का सबसे ज्यादा वाइडली यूज होने वाला हमारा कौन सा साइकिल है, तो वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है वो सबसे वाइडली यूज होता है, डोमेस्टिक पर्पस में सबसे ज्यादा यूज होता है। तो पहले उसको हम लोग देखते हैं कंप्लीट करके, तो एक ओवरव्यू के लिए देखते हैं उसमें क्या क्या होता है। तो वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या क्या हम लोग देखे थे, सबसे पहले उसमें जो है कंप्रेसर यूनिट होता है, कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, उसके बाद एक्सपेंसर डिवाइस, उसके बाद इवेपोरेटर होता है, एंड देन वापस साइकिल में कंप्रेसर पहुंच जाता है। इसी साइकिल में हमारा वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क करता है। तो हम लोग एक ही करके इवेपोरेटर का कंपोनेंट देखेंगे और कंडेंसर का देखेंगे। अब पिछले क्लास में बताया थे कि जब ये लोग पढ़ेंगे तो कंडेंसर और इवेपोरेटर दोनों एक तरह का हीट एक्सचेंजर ही है, तो दोनों को हम लोग कंबाइंड फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कंप्रेसर आता है, यहाँ पे एक्सपेंशन डिवाइस आता है, ठीक है। एक एक करके हम लोग चार कंपोनेंट को देखेंगे और उसके बाद जो साइकिल में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है हमारा रेफ्रिजरेंट, फिर हम लोग अच्छे से थोड़ा सा रेफ्रिजरेंट के बारे में स्टडी करेंगे, रेफ्रिजरेंट के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेंट का रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए और कौन कौन सा पर्पस में किस तरह का रेफ्रिजरेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, डोमेस्टिक पर्पस में कौन सा रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल करेंगे और फिर जैसे कॉमर्शियल पर्पस में क्या इस्तेमाल करेंगे, कोल्ड स्टोरेज में क्या इस्तेमाल करेंगे, तो उसके बारे में देखेंगे। हमारा जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है उसमें हम जनरली जो इस्तेमाल होता है वो हमारा वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम ही इस्तेमाल होता है। अब उस जो यूनिट है रेफ्रिजरेटर का उसका कॉस्ट क्या होता है, लगभग जो है 40-50% जो कॉस्ट होता है वो कंप्रेसर का ही कॉस्ट होता है। देखना जब कोई कंप्रेसर रेफ्रिजरेटर खरीदने जाओगे तो एक तो तुम्हारा उसका रेफ्रिजरेटर की वारंटी की बात करेगा, इसका वारंटी 1-2 साल है, उस वक्त कंप्रेसर की वारंटी की बात करेगा, कंप्रेसर का वारंटी 5 साल का है, कंप्रेसर का वारंटी 6 साल का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा महंगा अगर सब कुछ बिगड़ जाता है उसमें तो बहुत आसानी से 200-300-400 में सही हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा, लेकिन जहाँ कंप्रेसर में प्रॉब्लम आता है तो एक अच्छा खासा कॉस्ट उसमें बियर करना पड़ जाता है। सबसे ज़्यादा कॉस्टली कोई चीज़ होता है उसमें कंप्रेसर। तो सबसे पहले हम आज की टॉपिक जो है कंप्रेसर के बारे में देखिए, कंप्रेसर में क्या क्या इवेंट कॉस्ट बना है। कंप्रेसर को इसमें हम ज़्यादातर लिमिट रखेंगे हम लोग रेफ्रिजरेशन सिस्टम के हिसाब से। कंप्रेसर आप लोग शायद पहले भी पढ़े, कंप्रेसर का इस्तेमाल हम पावर प्लांट में भी करते हैं, ठीक है। तो पावर प्लांट में जो कंप्रेसर इस्तेमाल होगा वो हैवी ड्यूटी टाइप का होगा, उसमें अलग उसका यूटिलिटी है। यहाँ पे कंप्रेसर हम लोग पढ़ेंगे मोस्टली उस केस में कि रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर का वर्क इसमें क्या होता है, तो कंप्रेसर क्या करता है कि रेफ्रिजरेंट को कंडेंस इवेपोरेटर से लेकर के इवेपोरेटर में जहाँ पे लो टेम्परेचर और लो प्रेशर होता है, इवेपोरेटर में लो टेम्परेचर लो प्रेशर होता है वहां से फ्लूइड को लेकर के कंडेंसर में पुश करते, जहाँ पे कंडेंसर जाके वो प्रीहीटेड होगा और वहां पे उसका प्रेशर बढ़ा करके हम लोग पंप करेंगे। काम कौन करता है, कंडेंसर प्रेशर ले जाने का काम कौन करता है, ये दो प्रेशर लिमिट के बीच में अगर हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल वर्क कर रहा है तो इसमें किस तरह वर्क होता है, ये सर है और आप इसे वर्क कर लो, इसमें क्या है 1 2 3 4 इतना
तो ये काम हमारा कंप्रेसर का है। कंप्रेसर क्या करता है, इवेपोरेटर का जो डिस्चार्ज है वो आउटलेट है, यहाँ पर से रेफ्रिजरेट को लेकर के कंडेंसर के प्रेशर तक पहुँचाना, वहाँ पे पुश करना। बाकी कंडेंसर का काम होता है वहाँ पे इस पे हीट करना और उसके बाद कंडेंस करना। तो यहाँ पे इवेपोरेटर का लो प्रेशर मेंटेन करने के लिए भी जरूरी होता है, इवेपोरेटर जो रेफ्रिजरेंट वहाँ पे इवेपोरेट हो गया है, जिसका हीट बढ़ गया है उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेना ताकि फ्रेश रेफ्रिजरेंट से वहाँ से फ्लो करे और फ्रेश हमारा हीट एक्सट्रैक्शन हो इवेपोरेटर। तो ये काम कंप्रेसर का, कंप्रेसर को वर्किंग के हिसाब से देखोगे कंप्रेसर को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। चुपचाप आते जाओ, कंप्रेसर को एक सबसे पहले क्लासिफाई करते हम लोग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा टाइप होता है इसका रोटोडायनेमिक। ब्रॉडली हम लोग कंप्रेसर का दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, एक कहलाता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, एक कहलाता है रोटोडायनेमिक कंप्रेसर। दोनों में फर्क क्या है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर हम लोग उस कंप्रेसर करते हैं जिसमें कोई भी फ्लूइड एक इंक्लोज स्पेस में ट्रैप हो जाए, और ट्रैप होकर उसका जब हम लोग वॉल्यूम कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होने की वजह से उसमें प्रेशर राइज होगा, और वो प्रेशर राइज होने की वजह से उसमें हम लोग आयरन टर्म्स को पुश करेंगे। इसमें काम यही करना है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर में एक इंक्लोज स्पेस में हम लोग फ्लूइड को लेते हैं और उस स्पेस का वॉल्यूम धीरे धीरे कम किया जाता है, उस कम करने की वजह से उसमें जो है हाई प्रेशर जनरेट होगा या फिर जो भी प्रेशर हमको रिक्वायर्ड प्रेशर चाहिए और उस प्रेशर में फिर उसको आउटलेट में पुश कर दिया जाता है। तो इसमें हमारा क्या है, सबसे मेन चीज होता है ट्रैप इन इंक्लोज स्पेस। क्या कहते हैं, फ्लूइड को हम लोग इंक्लोज स्पेस में ट्रैप करते हैं और उसके बाद उसको वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं। अब उस वॉल्यूम को डिक्रीज करने की वजह से उसमें जो है प्रेशर राइज होता है, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का हमारा, यानी कि जो फ्लूइड है फ्लूइड के वॉल्यूम में जो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की वजह से उसमें कंप्रेसर पैदा हो, उस तरह के हम लोग कंप्रेसर कहेंगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। रोटोडायनेमिक कंप्रेसर की वजह से कुछ तरह से क्या करते हैं, फ्लूइड को मोशन देते हैं, फ्लूइड को काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट किया जाता है, फ्लूइड को काइनेटिक एनर्जी दिया जाता है। काइनेटिक एनर्जी किसके द्वारा देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग जो है रोटेटिंग शाफ्ट के थ्रू देते हैं, बॉडी को उस फ्लूइड को हम लोग तेजी से रोटेट कराते हैं, रोटेट कराने की वजह से उसमें जो है काइनेटिक एनर्जी आता है, और काइनेटिक एनर्जी आने के बाद इसको फिर हम लोग एक्सपेंड कराते हैं डिफ्यूजन में। एक नोजल होता है, एक डिफ्यूजर होता है। नोजल में क्या होता है कि वो हाई प्रेशर को जो है लो प्रेशर को हाई वेलोसिटी में फॉर्म करता है, वो प्रेशर डिक्रीज करता है वेलोसिटी इंक्रीज करता है जनरली। एक्सपेंडर उसको उल्टा है, एक्सपेंडर में क्या होता है वेलोसिटी डिक्रीज करता है और प्रेशर इंक्रीज करता है। तो उसमें ही कहते हैं पहले फ्लूइड को हाई काइनेटिक एनर्जी दिया जाता है और उसके बाद उसको एक्सपेंड कराया जाता है, एक्सपेंड करने के बाद उसका जो है प्रेशर राइज करता है। तो इसमें किसी भी तरह का एक क्लोज स्पेस में फ्लूइड को पैक नहीं किया जाता, बात किसी नहीं पूरा क्लियर है। तो इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है किसी भी फ्लूइड को एक क्लोज स्पेस में पैक करके उसका वॉल्यूम डिक्रीज नहीं किया जाता है, और इसमें जो है उसको रोटेशन देते हैं हम लोग, उसको उसमें काइनेटिक एनर्जी को इंपार्ट करते हैं, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से इसमें प्रेशराइज किया जाता है। ये दोनों में बेसिक फर्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के बीच में डिफरेंस अच्छे से याद रखना, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप एंड रोटोडायनेमिक, दोनों का एग्जांपल देखो। लिखते रहेंगे तो लिखते रहोगे।
देखने में भी नहीं मिल पाएगा। सब ऊपर करते जाइए बात करते को देखो यहाँ पे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का है। इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल यूज करते हैं। स्क्रू कंप्रेसर वेन कंप्रेसर और इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं रोटरी चार तरह का हमारा मेन है और इसमें लिखे करके हम इसको देखेंगे क्या कंस्ट्रक्शन है क्या वर्किंग है। इस सभी का एक क्वालिटी ये है कि इसमें फ्लूड को एक क्लोज स्पेस में कहीं से कहीं को क्लोज करना होगा और उसका वॉल्यूम डिक्रीज करना होगा। सभी का जो फंडामेंटल वर्किंग है वो इसी तरह से होगा। आप लोगों को सिलेबस में पढ़ना है वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को पढ़ना है। अब पहले क्या डिटेल में पढ़ना भी चुका था, इसमें बहुत शॉर्ट में पढ़ना है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को। इसके बाद ये सब ध्यान रखना एग्जाम्पल एसएससी जेई में बहुत ही एक नॉर्मल क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन इस तरह का बनता है। चार एग्जांपल दे देगा, ऐसे पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। देखो कंप्रेसर पंप ब्लोअर तीन चीज का नाम सुनते होंगे, कंप्रेसर हो या पंप हो दोनों एक ही तरह का चीज होता है या ब्लोअर। कंप्रेसर पंप और ब्लोअर तीनों एक ही फंक्शन होता है, तीनों का फंक्शन यही है कि फ्लूइड को लो प्रेशर से हाई प्रेशर में पहुंचाना, किसी भी फ्लूड का प्रेशर इंक्रीज करना। ये काम तीनों का होता है, कंप्रेसर का ब्लोअर का और पंप का। डिपेंड करता है कि कितना प्रेशर रेशियो में कोई फ्लूड को चेंज कर रहा है। कंप्रेसर जो है वो ज़्यादा प्रेशर में चेंज करता है, जैसे कंप्रेसर का प्रेशर रेशियो में भी तुमको 25 कंप्रेसर रेशियो हो सकता है, यानी कि अगर एक बार है तो एक बार को 25 बार तक पहुँचाना हो तो उस तरह का काम करेगा वो हमारा कंप्रेसर काम करेगा। पंप जो काम करता है पंप इससे कम प्रेशर रेशियो में ऑपरेट करता है, वो 25 का प्रेशर रेशियो ऑपरेट नहीं करेगा, वो मुश्किल से जो है वो 10 से लेकर 10 बार तक का प्रेशर रेशियो को हैंडल कर सकता है। यानी सबसे ज्यादा प्रेशर रेशियो जो हमारा आउटपुट देता है वो कंप्रेसर देता है।
कंप्रेसर से थोड़ा प्रेशर रेशियो कम आउटपुट देगा, पंप देगा, और उससे भी कम प्रेशर रेशियो का आउटपुट जो देगा वो ब्लोअर देगा। ब्लोअर जनरली ज्यादा प्रेशर रेशियो चेंज नहीं करता है, वो नॉर्मली सेमी प्रेशर रेशियो डिलीवर करेगा, बहुत तो 1.5 1.2 प्रेशर रेशियो को जनरेट करेगा, उससे ज्यादा जनरेट नहीं करता है। तो जहां भी कहीं पे टाइप्स ऑफ पंप पूछा जाए, टाइप्स ऑफ कंप्रेसर पूछा जाए, तो आप दोनों चीज में ही रहेगा। पंप भी दो तरह का होता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है और रोटोडायनेमिक पंप होता है। कंप्रेसर भी दो तरह का होता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर होता है, रोटोडायनेमिक कंप्रेसर होता है। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर को भी हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक वो जो रोटोडायनेमिक एक हो जो रेसिप्रोकेटिंग हो और दूसरा रोटोडायनेमिक। दोनों में देखो बेसिक फर्क क्या है, एक डिपेंड करता है फ्लूइड के मोशन पे। अब सभी को तो पंप को ड्राइव कैसे करते हैं, कंप्रेसर को ड्राइव करने के लिए हमारे पास मोटर होता है, मोटर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। अब मोटर में क्या है, एक मोटर है यहाँ पे, मोटर में शाफ्ट निकला हुआ होगा और शाफ्ट ये रोटेट कर रहा होगा, इसी साफ को रोटेशन से हमको ये सभी का वर्किंग जो है यही सबको मिलना है। हमारे पास इनपुट पावर क्या मिला हुआ है, तो वो रोटेटरी साफ हमारे पास इनपुट है। रोटेटरी साफ से हम लोग जो फ्लूड का मेस मोशन जो है हम लोग रेसिप्रोकेटिंग करते हैं, यानी कि एक पॉइंट के टू एंड फोर मोशन कराते हैं वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहलाता है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, बाकी जो देखते हैं इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे रेसिप्रोकेटिंग। स्क्रू कंप्रेसर कैसे वर्क करता है, स्क्रू कंप्रेसर ऐसे वर्क करता है कि एक कंस्ट्रक्शन देख लो इसका, लगभग तो एक केसिंग है, इसमें दो हेलिकल स्क्रू को एक दूसरे के साथ रख देते हैं, इस तरह का हेलिकल स्क्रू होता है, एक दूसरा हेलिकल स्क्रू यहीं पे होगा साथ साथ में। स्क्रू टाइप का जो शाफ्ट लगा हुआ रहेगा और दोनों एक दूसरे के एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एक दिशा से मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा मूव कर रहा है। तो इस तरह का हेलिकल टाइप का स्ट्रक्चर तुम लोग देखे होंगे, स्क्रू देख रहे हो ना, स्क्रू किस तरह होता है, अगर घुमाते हैं तो आई तरफ बढ़ता है, दूसरा भी अगर घूमेगा तो आई तरफ बढ़ेगा। इसमें क्या, एक तरफ में रेफ्रिजरेंट आ रहा है, तो ये दोनों के जो वेन बना हुआ है, दोनों का जो थ्रेड है स्क्रू का, थ्रेड के बीच में एयर ट्रैप करेगा, दोनों के बीच में जब मोशन होगा ये आगे की तरफ बढ़ेगा, ये पीछे की तरफ बढ़ेगा, तो दोनों के बीच का जो रिलेटिव स्पेस है वो धीरे धीरे कम होगा, और दोनों के बीच में जब कम होगा तो दोनों का जो है एयर का वॉल्यूम या जो रेफ्रिजरेंट है उसका वॉल्यूम कम होगा और उसका प्रेशर राइज करेगा। यानी कि दो हेलिकल शाफ्ट के बीच में एयर को ट्रैप करके जब शाफ्ट को घुमाते हैं तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज करता है एयर का या रेफ्रिजरेंट का, और उसकी वजह से उसमें कंप्रेशन प्रोसेस होता है। और इतना ध्यान रखना इसमें स्क्रू में दो हेलिकल शाफ्ट होता है, हेलिकल शाफ्ट है, हेलिकल स्क्रू बैकग्राउंड, बस इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा डिटेल में कभी नहीं पढ़ना, तो रूबी टेक नहीं पढ़ना। वेन कंप्रेसर देखो कैसे वर्क करता है, वेन कंप्रेसर में ये इंक्लोज है, इसमें क्या होता है रोटेटिंग शाफ्ट एक होता है और शाफ्ट के अंदर में ये दूसरा शाफ्ट है और उसमें वेन बने हुए होते हैं, इसके पेरिफेरी पे वेन बना हुआ होता है, ये वेन कहलाता है। एक चीज और हम सजेस्ट करेंगे तुम लोग को, ये सब ध्यान है, एक बार यूट्यूब पे इसका रियल लाइफ वीडियो देख लेना, हम यहाँ पे फिगर बना के उतना बेहतर नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक बार वीडियो देख लो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है, ये शाफ्ट इसमें रोटेट कर रहा है, ये इनक्लोज स्पेस है और यहाँ से हमारा एयर या रेफ्रिजरेंट जो भी इनपुट हुआ, अब इसमें क्या है दो वेन के बीच में एयर ट्रैप हुआ आया तो, और जब ये वेन आई की तरफ घूमेगा तो इसके एरिया धीरे धीरे रिड्यूस करेगा और रिड्यूस एरिया की वजह से यहाँ जाकर करके आगे की तरफ जाएगा, यहाँ पे और एरिया तो फिक्स है, ये जो वेन है ना ये वेन आगे पीछे ऊपर नीचे भी जाता है, यहाँ पे जाएगा तो ऊपर की तरफ निकल जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा तो यहाँ ये फ्लेक्सिबल होता है, मूविंग होता है, ये जो वेन है ये मूविंग वेन है। ये
ये मूविंग में है, ये जस्ट नीचे की तरफ रखा हुआ नहीं, जब रोटेट करेगा तो बीम आगे की तरफ निकलेगा और ये जब आगे की तरफ जाएगा तो यहाँ पे एयर को आपस में कंप्रेस करेगा। पर इसमें ध्यान रखना है मूविंग वेन होता है, अब मूविंग वेन रोटेट करता है उसके अंदर में रेफ्रिजरेंट या फिर एयर ट्रैप होता है और ट्रैप होकर के उसका एरिया रिड्यूस होता है, वॉल्यूम रिड्यूस होता है और वो आगे जाकर डिस्चार्ज होता है। लो कंप्रेसर इसमें भी सेम चीज होता है, इसमें भी एक कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, दो तरह का इसमें लोब होता बना हुआ, दोनों मूविंग लोब है, ये भी मूव कर रहा है ये भी मूव कर रहा है। तो ये जब दोनों एक दूसरे के रिलेटिव मूव कर रहे होते हैं तो इस मोशन की वजह से तो दोनों के बीच में से कोई डेट यहाँ पे एयर आया, अब एयर धीरे धीरे यहाँ पे अगर घूमेगा तो कंप्रेस होता हुआ जाएगा, कंप्रेस होता हो जाएगा फिर आएगा उसको डिलीवर करेगा। इसमें भी कोई मूविंग स्पेस है, इसके मूवमेंट की वजह से वो स्पेस कॉन्ट्रैक्ट होगा और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसमें प्रेशर राइज करेगा। तो इसमें क्या है, दो मूविंग लोब होता है। वॉल्यूम कैसे में देखो क्या थोड़ा सा अलग टाइप का, वॉल्यूम पे हम लोग उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसमें स्पाइरल टाइप का हो, इस तरह का एरिया धीरे धीरे गिरता हुआ, इसको कहते हैं वॉल्यूट स्ट्रक्चर कहते हैं। इनवॉल्यूट पढ़े होगे ना, इनवॉल्यूट बनाया फर्स्ट ईयर में ड्राइंग में, फर्स्ट ईयर ग्राफिक्स में इनवॉल्यूट बनाने के लिए होगा नहीं ना, एक सर्कल है सर्कल का इनवॉल्यूट से बनाया होगा फॉलो करके याद आ रहा है कुछ है, सर्कल का इनवॉल्यूट नहीं बनाए थे, इसको इनवॉल्यूट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो वॉल्यूट में क्या होता है, वॉल्यूट पंप में दो तरह का वॉल्यूट होता है जो एक दूसरे का इस तरह से बना होता है, एक इस तरह का वॉल्यूट हो गया और दूसरा सपोज है वो इस तरह का, दो वॉल्यूट स्ट्रक्चर एक दूसरे में पैक होता है। इसमें एक वॉल्यूट जो है वो स्टेशनरी होता है, ये वाला स्टेशनरी वॉल्यूम है और दूसरा है ये मूविंग वॉल्यूम होता है। नहीं, इसमें इस तरह का वॉल्यूम का स्ट्रक्चर बना होता है, झुक के जाओ। तो दो तरह का वॉल्यूम का स्ट्रक्चर इसमें होता है, एक स्टेशनरी होता है एक रोटेटिंग होता है। मूविंग में क्या होता है, ये हल्का हल्का बस यहाँ पे मूव करेगा अपने एक्सिस के, थोड़ा सा हल्का हल्का मूव करेगा इधर की तरफ इधर की तरफ, एक तुम विजुअलाइज कर सकते हो कैसे बोलने, एक अंदर में दूसरा क्वाइल अगर डालोगे और उसको अगर खिलाओगे तो वैसा नहीं पूरी तरह से वो घूमेगा, ये पूरी तरह से रोटेशन नहीं मिल रहा है, 180 डिग्री नहीं घूम रहा, ये हल्का हल्का बस वाइब्रेशन दे रहा है। सपोज इसका जो वाइब्रेशन मूविंग है वो यूं हल्का हल्का दाएं बाएं ऊपर नीचे जा रहा है, पूरी तरह से रोटेशन नहीं मिल रहा है, बस दाएं बाएं थोड़ा हो रहा है और उसकी वजह से ये एरिया कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। अगर दोनों के बीच में वॉल्यूम के बीच में अगर रिलेटिव मोशन देंगे हम तो एक बार एरिया बढ़ेगा एक बार एरिया से घटेगा, तो वही एरिया बढ़ने घटने की वजह से इसमें हमारा कंप्रेसर प्रोसेस होता है। तो चार तरह की चीज़ों का हम लोग वर्किंग में किस तरह से वर्किंग होता है उसको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चारों को एक बार यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, रियल वीडियो जिसे वर्क करता हो हमेशा के दिमाग में याद हो जाएगा, ये सिर्फ इसलिए याद होना चाहिए कभी पूछ दे क्वेश्चन कि बीच ऑफ द फ्लोइंग इज द वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट पंप और उसमें एक एग्जांपल दे लो पंप का या एक्सियल फ्लो का प्रेशर दे दे या सेंट्रीफ्यूगल का प्रेशर दे दे तो वहां पे आप लोग इसको पहचान पाओगे। तो स्क्रू में क्या है फिर से देख लो, स्क्रू में दो हेलिकल स्क्रू है, दो हेलिकल स्क्रू के बीच में एयर ट्रैप होगा उसके वजह से कंप्रेशन होगा। वेन में क्या है, रोटेटिंग शाफ्ट में मूविंग वेन बना हुआ है, इस वेन की वजह से कंप्रेशन होगा।
लोब में क्या है, दो लोब है यहाँ बना हुआ और दो लोब में रिलेटिव मोशन की वजह से उसका स्पेस क्लोज होगा तो इसकी वजह से कंप्रेशन होगा। उसके बाद जो वॉल्यूम हमारा कंप्रेसर है उसमें दो वॉल्यूम है, दो वॉल्यूम की वजह से कंप्रेशन प्रोसेस वहाँ पे होगा। चार चीज अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत तो कहीं पूछा जाए तो इसमें तुमको शॉर्ट नोट्स लिखने की पूछ देगा, चार लाइन लिखना होगा, उससे ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। ये रोटरी हो गया, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया और नोट कर लिया होगा इसका सर। रोटोडायनेमिक को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है रेडियल फ्लो, रेडियल फ्लो कंप्रेसर, एक होता है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। इसको रेडियल फ्लो कंप्रेसर और एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, ये दो टाइप का कंप्रेसर आप लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना होगा शायद, बराबर ना। तो रेडियल फ्लो में क्या होता है, फ्लूइड का फ्लो जो है वो शाफ्ट के रेडियली जा रहा है या शाफ्ट के एक्सेस में जा रहा है, जो हमारा इनपुट है। ये शाफ्ट को मूव कर रहा है, अगर फ्लूइड का इनपुट यहाँ से हो रहा है एक्सेस के अकॉर्डिंग, और अगर इसका जो ऑपोजिट है वो इस तरह से जा रहा है रेडियली, इसको हम कहेंगे रेडियल फ्लो कंप्रेसर है। और अगर इस शाफ्ट के पैरेलल में इनपुट हो रहा है अगर फ्लूइड का, और आउटपुट भी अगर इसके पैरेलल में हो रहा है, इसको हम लोग कहें कि एक्सियल फ्लो कंप्रेसर है, ठीक है। एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में क्या आप लोग पढ़े होंगे, दो तरह का वेन होता है, एक मूविंग वेन होता है और एक रोटेटिंग स्टेशनरी वेन होता है। क्लास ले रख जाएंगे तो मैं ना एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में सही होता है, ठीक है। वो एक स्टेशनरी, एक स्टेशनरी वेन होता है और मूविंग वेन होता है, दोनों के बीच में अपना जो भी हो। इसमें यही है कि शाफ्ट के एक्सरी एयर इंटर करता है और शाफ्ट के एक्सरी एयर आउटपुट में जाता है, बाहर की तरफ निकलता है। एक्सिस के अकॉर्ड पैरेलल में जो मूविंग होगा उसको हम लोग एक्सियल फ्लो कंप्रेसर कहेंगे, ठीक है। ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट का सर्कुलर शाफ्ट है, इसका रेडियस कहाँ है, ये रेडियस है, ठीक है। होगा रेडियस सर्कुलर शाफ्ट होगा तो सर्कुलर शाफ्ट का रेडियस ही है, तो इसके रेडियस के अकॉर्डिंग जो इसका आउटलेट होगा मूविंग होगा उसको हम लोग रेडियल फ्लो कंप्रेसर कहेंगे। रेडियल फ्लो कंप्रेसर का एग्जांपल तुम लोग पास क्या है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में क्या होता है, एक मोल्डेड केसिंग होता है, यहाँ मोल्डेड केसिंग है जिसमें वेन बना हुआ है, यहाँ से एयर इंटर करता मोल्डेड केसिंग में और आउटलेट बाहर की तरफ निकलता है। ज्यादा कुछ कंस्ट्रक्शन बाहर की तरफ निकलता है, तो ये रेडियल फ्लो कंप्रेसर हो गया। यहाँ पे रेडियल फ्लो में सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और एक्सियल फ्लो कंप्रेसर बस इसको ध्यान रखना है। ये दोनों तरह का कंप्रेसर जो हमारा रोटोडायनेमिक है, इसमें कहीं भी जो है स्पेस में कम ज्यादा नहीं होता है, बस सिर्फ है कि एक शाफ्ट से इसको मूवमेंट दिया गया और मूवमेंट देने के बाद इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया, और काइनेटिक एनर्जी चेंज करने वाला यहां देखना, वॉल्यूम केसिंग होता है, नहीं वॉल्यूम केसिंग होता है। वॉल्यूम केसिंग में क्या होता है कि वॉल्यूम केसिंग का धीरे धीरे एरिया एक्सपेंड करता बढ़ता है, तो एरिया बढ़ने का मतलब क्या, वो एक तरह का डिफ्यूजर की तरह काम करेगा। जब एरिया इंक्रीज करेगा वॉल्यूम केसिंग का, तो वो एक तरह से डिफ्यूजर की तरह काम करता है, और डिफ्यूजर में एरिया धीरे धीरे इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी उसका डिक्रीज करेगा और प्रेशर इंक्रीज करेगा। दैट्स द फंक्शन ऑफ कंप्रेसर। एक्सियल फ्लो कंप्रेसर भी इसी तरह का चीज है, यहाँ पे कंटिन्यूअस मोशन होता है, और देख लो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में जो मोशन हो, जो फ्लूइड का आउटलेट है वो हमारे कंटिन्यूअस फ्लो नहीं मिलेगा। दोनों में डिफरेंस देखो, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में हमें कंटिन्यूअस फ्लो नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमारा रोटोडायनेमिक में कंटिन्यूअस फ्लो मिलेगा, क्योंकि जो डिस्चार्ज मिल रहा है डिस्चार्ज कभी वैरी नहीं करेगा रोटोडायनेमिक में।
पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में डिस्चार्ज हमेशा वेरी करेगा। जैसे हमारा वो हो गया रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हो गया, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में एक बार सक्शन स्ट्रोक हुआ, कंप्रेसर स्ट्रोक हुआ, फिर डिस्चार्ज हुआ। तो जिस टाइम में सक्शन हो रहा है उस टाइम में तो फ्लूड आउटलेट नहीं हो रहा है, जब कंप्रेशन हो रहा है तो उस टाइम में कोई फ्लूड फ्लो नहीं कर रहा है, जब डिस्चार्ज कर रहा है तो उस टाइम में जाकर फ्लूड फ्लो हो रहा है। तो कुछ टाइम के लिए फ्लूड फ्लो होगा और कुछ टाइम के लिए फ्लूड फ्लो उसमें नहीं होगा, तो उसमें जो फ्लूड का फ्लो है वो इंटरमिटेंट होता है, नॉट कंटिन्यूस फ्लो। एंड इन द केस ऑफ रोटोडायनेमिक यू गेट द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ फ्लूड। दोनों में ये डिफरेंस है। रोटोडायनेमिक में हमको ज्यादा प्रेशर रेशियो ज्यादा नहीं मिलता है, प्रेशर रेशियो हमको ज्यादा मिलेगा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में, क्योंकि वहां पे हमारे पास ऑप्शन होता है कि दोनों के बीच के एरिया को हम कितना कम से कम कर लें। दोनों के बीच में एरिया हम पे डिपेंड करता है कितना कितना हम कम कर दें, और बस एरिया को हम जैसे चेंज करेंगे, स्पेसिंग को चेंज करेंगे, हमारा ज्यादा ज्यादा प्रेशर रेशियो मिल पाएगा। यहाँ पे रोटोडायनेमिक में अगर करना होगा तो पूरा हमको कंस्ट्रक्शन को लगभग चेंज करना पड़ेगा, डिजाइन ही चेंज करना पड़ेगा प्रेशर रेशियो के लिए। पढ़ना है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन में क्या होता है कि एक पिस्टन होता है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर में एक पिस्टन है, जस्ट लाइक आइस इंजन, इसमें और ये लगा हुआ है जब आईसी इंजन में क्या होता है कि आईसी इंजन में यहाँ पे एक दो वाल्व उसमें लगा होगा, एक इनलेट वाल्व है, एक आउटलेट वाल्व है। जस्ट लाइक आईसी इंजन में भी होता है, इनलेट वाल्व से फ्यूल और एयर अंदर की तरफ आता है, कंप्रेस होता है और उसके बाद फिर जो आउटलेट से डिस्चार्ज करता है ना। टू स्ट्रोक इंजन, फोर स्ट्रोक इंजन तो पड़े हो गए, दोनों का यहाँ पर वर्किंग जस्ट उसका अपोजिट कंप्रेसर होता है जो हमारा आईसी इंजन है, सेम वर्किंग है, फंक्शन अलग अलग है। दोनों देखो उसमें क्या था कि इनपुट हमारा एयर था या जो भी हमारा फ्यूल है, फ्यूल को इनपुट लेते थे, बर्न होता था, फ्यूल पीछे की तरफ जाता था और क्रैंक को घुमाता था, हमारा आउटपुट क्या था, ये हमारा आउटपुट था, क्रैंक का घूमना हमारा आउटपुट था, इनपुट क्या था यहाँ पे फ्यूल का बनी हमारा इनपुट था, इसकी वजह से हमारा आउटपुट क्रैंक का घूमना था। अब क्रैंक जब घूमेगा क्रैंक शाफ्ट को घुमाएगा, क्रैंक शाफ्ट जो हमारा पावर आउटपुट देगा, इसमें उल्टा है, ये क्रैंक का घूमना हमारा इनपुट है। हम लोग मोटर से शाफ्ट को घुमाते हैं और शाफ्ट यहाँ क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ है, तो शाफ्ट इसको लगातार घुमाएगा, इसको घुमाने की वजह से ये पिस्टन का आगे पीछे मूवमेंट होगा, ये पोजीशन तब होगा जब क्रैंक यहां होगा, इस तरह से यहां पे इनपुट हमारा शाफ्ट दे रहा है। अब इसकी वजह से यहां पे आउटपुट क्या होगा, एयर कंप्रेस करके बाहर की तरफ निकलना जो है ये हमारा आउटपुट, जस्ट इसमें भी वही उसी तरह का बनेगा फिगर। देखो इसका अगर हम पीवी डायग्राम से अगर देखना चाहते हैं इस तरह से, कुछ सर्टेन प्रेशर पे एयर इनलेट यहाँ पे है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या किसी भी कांस्टेंट प्रेशर पे पहले एयर का सक्शन होगा, यानी कि पिस्टन यहाँ से यहाँ की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे इनलेट वाल्व खुला हुआ है, यहाँ पर वाल्व खुला हुआ है, ये सिलेंडर पीछे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, एयर इसके अंदर में सक हो गया,
अब क्या है, ये इनलेट वाल्व बंद हो जाएगा, आउटलेट वाल्व दोनों बंद है। अब बंद है, यहाँ पे रोटेट कर रहा है शाफ्ट, ये अब शाफ्ट को, ये पिस्टन को इधर की तरफ पुश करेगा। अब इधर की तरफ जब पुश कर रहा है तो आउटलेट बंद है, इनलेट बंद है, दोनों के बीच में एयर जो है या फिर जो भी रेफ्रिजरेंट है वो इंक्लोज हो गया है। अब उसके पास कहीं एस्केप करने का ऑप्शन नहीं है, वो क्या करेगा, इसको वॉल्यूम दे दे, कम प्रेस होगा, कम करेगा, और वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, वो स्ट्रेस होगा। एक सर्टेन डिस्टेंस तक, सपोज यहाँ तक, यहाँ पे जब पिस्टन यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक एयर को कंप्रेस किया, अब क्या है कि आउटलेट वाल्व जो है खोल दिया गया। आउटलेट वाल्व जब खोल दिया जाएगा तो बाहर की तरफ पुश होगा एयर, और फर्दर उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा, वॉल्यूम धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक तब चेंज होगा, लेकिन प्रेशर उसका सेम रहेगा। अब सेम प्रेशर में यहाँ पे हम एग्जॉस्ट करेंगे, तो ये हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का व्यू डायग्राम। ये कंप्रेसर वर्क हुआ, ये सक्शन हुआ, यहाँ पे एयर को अंदर की तरफ सक किया गया, यहाँ पे कंप्रेसर कंप्रेशन प्रोसेस, और यहाँ पे डिस्चार्ज। ये प्रोसेस है इसका, चाहो तो खराब हो जाए। और ये हमारा जो है नेट वर्क बाय कंप्रेसर हो गया, ये कंप्रेसर को इतना वर्क करना पड़ेगा टोटल इस काम को करने। क्लियर है यहाँ पे? दोनों फिगर को एक साथ में देखोगे तो आसानी से याद होगा, आपको रिलेट कर पाओगे यहाँ पे एक्चुअल मूवमेंट क्या हो रहा है और सब कुछ रहेगा। इसे एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। हमारा इनपुट जो है यहाँ पे क्रैंक का घूमना, ये क्रैंक कैसे घूमेगा, तो क्रैंक घूमेगा हमारा मोटर से, जो मोटर ही प्रोवाइड कर रहे हैं। मोटर कैसे घूमेगा, करंट से, बिजली से, तो बिजली देंगे, मोटर घूमेगा, मोटर में शाफ्ट लगा हुआ है, शाफ्ट से यहाँ से करंट का मूवमेंट होगा, और करंट से यहाँ पिस्टन मूव करेगा। ठीक है, पिस्टन में देखो सबसे अगर ये इनर सेंटर पे आकर या डेड सेंटर से उठा लो, ठीक है, इनर सेंटर पे जब है तो उस टाइम जैसे बोले कुछ नहीं है, जीरो है। ठीक है, पिस्टन बाहर की तरफ मूव करेगा, तो पिस्टन जब बाहर की तरफ मूव कर रहा है तो एयर को सक करेगा, एयर को सक करेगा तो वॉल्यूम कुछ मतलब बीमा तक पहुंचा। सक करने के टाइम पे यहाँ पे इनलेट वाल्व खुला हुआ है, जब वाल्व खुला हुआ रहेगा तो प्रेशर में चेंज कहीं नहीं होगा, कहीं भी प्रेशर वहीं चेंज होता है जहाँ पे क्लोज स्पेस हो, जहाँ पे ओपन रहेगा अगर एटमोसफेयर से वहाँ प्रेशर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे खुला हुआ है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट प्रेशर पे सक्शन हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, तो उसके बाद इनलेट वाल्व को क्लोज कर दिया गया। क्लोज करने के बाद कंप्रेशन प्रोसेस होता है, उस हद तक उसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम कभी जीरो हो नहीं सकता है कंप्रेस कर करके, उसका भी लिमिटेशन है, तो कुछ हद तक यहाँ पे वॉल्यूम उसका कम हुआ। उसके बाद डिस्चार्ज आउटलेट को खोला गया, और उसके बाद जो था बाकी हमारा हाई प्रेशर के थ्रू डिस्चार्ज हो गया, ये हमारा आउटलेट। अब जब इसमें वर्क क्या बोल रहे हैं, इसके लोग नेट वर्क के लिए एक्सप्रेशन लोग पता करते हैं क्या एक्सप्रेशन आएगा। तो तो ये चार तरह का प्रोसेस हुआ। पहला प्रोसेस कौन सा है, प्रोसेस नंबर वन 4-1, ये सक्शन स्ट्रोक हुआ, दूसरा 1-2, ये कंप्रेशन हुआ, तीसरा
क्या कौन सा होगा डिस्चार्ज। अब तीनों का देखो किस तरह का प्रोसेस है, तो तीनों का प्रोसेस हम लोग देखते हैं। तो ये कांस्टेंट प्रेशर है ना, ये जो है ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है, पॉलीट्रॉपिक, और ये भी जो है कांस्टेंट प्रेशर। पॉलीट्रॉपिक का प्रॉपर्टी हम जानते हैं, अब देखो तीनों के केस में हम लोग वर्क निकालते हैं, ये नेट वर्क हमको कैसे मिलेगा? क्लास चल रहा है क्या? नेटवर्क जब हम कहां मिलेगा इसका वर्क निकालेंगे, अगर इसका वर्क स्टूडेंट इसका वर्क यही निकलेगा, इस प्रोसेस का वर्क ही निकलेगा, फिर दूसरे प्रोसेस का वर्क कौन सा निकलेगा, यहां से यहां गया है इसका वर्क, ये वाला इसका वर्क, और उसके बाद कौन सा निकलेगा, टू टू थ्री का वर्क कौन सा होगा, ये जो वर्क होगा टू टू थ्री का होगा। तो नेटवर्क ये कौन सा होगा, नेटवर्क हम लोग लिख सकते हैं ये टोटल वर्क माइनस इतना का वर्क, तो टोटल वर्क जो है टोटल वर्क कितना होगा, तो वर्क डन 3 to 2 plus work done 2 to 1 minus work done 4 to 1 as it can so ये किस तरह का प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर। और कांस्टेंट प्रेशर का वर्डन कितना होता है, तो यहाँ पे लास्ट में जीरो आई, इसको हम लिख सकते हैं कि ये जो वर्धन होगा पिछड़ी बीटू या पिछड़ी पिछड़ी जो है वही पीटू भी है, पीटू बीटू कह सकते हैं हम लोग। टू टू वन क्या है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का वर्धन क्या रहा, तुम लोग क्या होता है पहले क्लास में हम तीनों को वर्धन निकालने के लिए बताए थे, कैसे निकालोगे तो हम निकालते हैं, इसमें क्या होता है अगर 1 टू 2 को वर्क हो रहा है तो हम उसको पॉलीट्रॉपिक वर्क कैसे निकालेंगे, हैं p2 p2 माइनस p1 p1 डिवाइड बाय n, अगर पॉलीट्रॉपिक उसका इंडेक्स है p2 पावर n इक्वल टू c, अगर इस तरह का कोई प्रोसेस है तो उसमें क्या वर्क निकल के आएगा, p2 p2 माइनस p1 p1 अपॉन n माइनस 1, तो इसको लिख सकते हैं p2 माइनस p1 p1 डिवाइड बाय माइनस वन, और माइनस में ये वर्क कर देंगे, ये वर्क कितना होगा तो पीवन पीवन होगा कांस्टेंट प्रेशर। बस ये दोनों एक साथ लिखो, पी2 माइनस पीवन पीवन प्लस पी2 माइनस पीवन पीवन अपॉन ए माइनस वन, ये दोनों कॉमन है पी2 माइनस पीवन पीवन, सो कॉमन ले लिए, क्या बचा यहाँ पे 1 बचा 1 अपॉन n प्लस 1 n माइनस 1, ये कितना निकल के आएगा, और लिख सकते हैं p2 माइनस p1 इनटू n अपॉन n माइनस 1 ना, तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम है जो हम लिख सकते हैं, तो नेक्स्ट चलिए बात बाद देखिए लिखा हो जाएगा, तो हम लोग फाइन लिख सकते हैं कि वर्क डन बराबर एन इंटू ए माइनस वन इंटू p2 माइनस, ये नेट वर्क का एक्सप्रेशन हो गया, से फोर सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर।
सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको n माइनस वन लिख सकते हैं और p2 को अगर कॉमन ले लिए यहाँ पे क्या बचा p1 को कॉमन ले लिए p2 माइनस वन और हम लोग जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से कि p इज इक्वल टू nRT होता है ना तो हम लोग लिख सकते हैं p1 को लिख सकते हैं r t1 इनटू p2 को t2 अपॉन t1 माइनस 1 लिख सकते हैं तो और देखो इसमें और एक टॉपिक t2 से t1 हमारा कौन सा प्रोसेस था ये 1 to 2 था ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस था है ना पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है तो 1 से 2 में पॉलीट्रॉपिक का प्रोसेस को याद करो कि हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए लिखते हैं t पावर n इक्वल टू अगर c हो यहां पे t2 अपॉन t1 को लिख सकते हैं हम लोग t2 अपॉन t1 पावर गामा माइनस 1 अपॉन यहां पे इसको लिख सकते हैं n r t1 अपॉन n माइनस 1 t2 अपॉन t1 पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1 ये तो फाइनली टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में हमारा वर्क डन बाय कंप्रेसर का एक्सप्रेशन ये हो गया तो वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है इनिशियल टेंपरेचर T1 पे प्रेशर दोनों प्रेशर रेशियो पे डिपेंड कर रहा है प्रेशर रेशियो ज्यादा होगा तो वर्क डन ज्यादा होगा ठीक है ना यहाँ पे हमारा लिमिटेशन आता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का कि बहुत ज्यादा हम लोग प्रेशर रेशियो नहीं बढ़ा सकते अगर हम लोग किसी कंप्रेसर का प्रेशर रेशियो को ज्यादा बढ़ाना होगा तो यहाँ पे अगर इस तरह से प्रेशर रेशियो में बढ़ाते हैं ज्यादातर तो कंप्रेसर वर्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ठीक है यहाँ पे p2 पावर गामा के रेशियो से बढ़ता जाएगा कंप्रेसर रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा वहाँ पे कंप्रेसर का वर्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और इसकी वजह से जो टेम्परेचर राइज है देखो p2 कितना राइज कर जाएगा बहुत ज्यादा राइज कर जाएगा और ये ज्यादा प्रेशर रेशियो मेंटेन करने के लिए हमको जो सिलेंडर है सिलेंडर का साइज बहुत बड़ा चाहिए पिस्टन का साइज बड़ा चाहिए तो बहुत ज्यादा हम लोग प्रेशर रेशियो इसको नहीं बढ़ा सकते हैं एक सिंगल यूनिट से तो सिंगल यूनिट से हम बहुत ज्यादा प्रेशर को अचीव नहीं कर सकते हैं इसको कम करने के लिए वर्क को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसमें मल्टी स्टेजिंग करते हैं क्या करते हैं कि हम सिंगल यूनिट को प्रेशराइज नहीं करते हैं ऐसा रहकर तो सिंगल से अगर प्रेशराइज ना करके हम लोग क्या करते हैं पहले कुछ प्रेशर तक प्रेशराइज की है उसके बाद इसको हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे इंटरकूलिंग करते हैं बस उसको ठंडा कर दिए इंटरकूलिंग कर दिए फिर दूसरे कंप्रेसर में इसको भेजते हैं और फिर वहां से कंप्रेशन कराते हैं तो इस तरह से निकल के आता है और वॉल्यूम हमारा इतना निकल के आएगा और पहले एक केस में अगर यहाँ तक करते तो बॉर्डर हमारा कितना होता छोटा कितना बॉर्डर होता तो इंटर कूलिंग की वजह से ये हमारा बॉर्डर थोड़ा सेव हो जाता है मल्टी स्टेज की वजह से तो हम लोग मल्टी स्टेज कंप्रेसर इस्तेमाल करते हैं जनरली 2 या 3 स्टेज का कंप्रेसर हम लोग लार्जर यूनिट में हम लोग 2 या 3 स्टेज का कंप्रेसर इस्तेमाल करते हैं लेकिन जनरली अगर छोटा सा यूनिट हो तो उसमें हम लोग सिंगल स्टेज कंप्रेसर से ही काम चलाते हैं ठीक है तुम लोग को टेबल तक इतना ही पढ़ना है ज्यादा नहीं प्रैक्टिकली क्या करते हैं हम लोग कि किसी भी कंप्रेसर में अगर डेड एंड पे जाएगा तो 0 वॉल्यूम उसका नहीं हो सकता है अगर पिस्टन जो है सिलेंडर के अंदर पिस्टन अगर पुश कर रहा है तो पूरा 0 पूरा वैक्यूम हम लोग क्रिएट नहीं करते हैं हम लोग कुछ उसमें क्लियरेंस वॉल्यूम रह जाता है तो आगे जब आपको पढ़िएगा तो कुछ हम लोग कंप्रेसर द्वारा किस तरह करते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम यहाँ पे रखते हैं 0 वॉल्यूम सब साथ में नहीं करते लेकिन हम लोग सिलेबस को इतना नहीं पढ़ना है हम लोग को जस्ट एक रेफ्रिजरेशन यूनिट में कंप्रेसर का हल्का सा इंट्रोडक्शन टाइप का पढ़ना है ठीक है क्लास की नोट आप Thank you.
अर्थात हमारा सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, उसका बॉर्डर का आपको याद रखना बहुत सिंपल सा है, पहले पढ़े हुए होंगे, पहले पढ़े हो ना सब चीज़। चलो एक बार फिर से रिवाइज हो गया। स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है इसको तीन पार्ट में क्लासीफाई करते हैं हम लोग कंप्रेसर को। एक होता है हर्मेटिकली सील कंप्रेसर, दूसरा होता है सेमी हर्मेटिक, और तीसरा होता है कुकिंग। ये तीन तरह का कंप्रेसर हम लोग प्रोसेसर के हिसाब से वो क्लासिफाई करते हैं। तीन तरह से हम लोग क्लासिफाई करते हैं कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, और खास कर रेफ्रिजरेशन यूनिट में जिस तरह कंप्रेसर इस्तेमाल होता है उसके तरफ से हम लोग तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक हर्मेटिकली सील कंप्रेसर, एक सेमी हर्मेटिक और तीसरा ओपन। तीनों का अपना अपना एडवांटेज है, तीनों का अपना अपना कंस्ट्रक्शन है। किस तरह से कंस्ट्रक्शन है, तो इधर वो हर्मेटिकली सील का मतलब करते हैं किसी को पूरी तरह से बंद कर रहा है, हर्मेटिक का मतलब होता है कि घेर देना किसी चीज़ को। तो हर्मेटिकली भी क्या होता है, देखो कंप्रेसर में दो यूनिट होता है, एक हमारा मोटर वाला पार्ट होता है कंप्रेसर में और दूसरा में कंप्रेसिंग यूनिट होता है। अभी हम लोग देखे थे क्रैंक को घुमाने, कौन घुमा रहा है, मोटर। तो कहीं ना कहीं जहाँ पर कंप्रेसर लगा होगा वहाँ पर मोटर भी लगा होगा, मोटर जो है कंप्रेसर को पिस्टन को आगे पीछे कर रहा है, कंप्रेसर हो रहा है। तो हर्मेटिकली सील कंप्रेसर में क्या होता है, मोटर और कंपोनेंट कंप्रेसर के दोनों कंपोनेंट को एक हेमिस्फेरिकल शेप में इसको जो है बंद करके एकदम सील कर दिया जाता है, बिल्डिंग कर दिया जाता है। इसमें मोटर यूनिट और कंप्रेसर यूनिट को दोनों को एक जो है इसको हम लोग कह सकते हैं ब्रास के स्ट्रक्चर में, ब्रास या ब्रॉन्ज या स्टेनलेस स्टील के स्ट्रक्चर में पूरी तरह से इंक्लोज करके इसको पैक कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है, बिल्डिंग किया हो जाता है। ये अब किसी तरह से खुल नहीं सकता। अब इसके अंदर में सिर्फ हमारे क्या जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जाएगा बस, कहीं तो वायर जाने का बस एक प्रोविजन इसमें होगा, उससे ज्यादा तो प्रोविजन नहीं होगा। अंदर में मोटर घूम रहा है, मोटर कंप्रेसर घुमा रहा है, और यहाँ से फाइनली हमारे जो है आउटलेट में हमारा रेफ्रिजरेंट निकल रहा है और ये कंडेंसर में जा रहा है। आप लोग जब अपना घर का डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर देखे होंगे उसमें गोल सा होगा पीछे में कंप्रेसर, वो हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर है, वो कहीं से खुलने का उसमें चांस नहीं है। कंप्रेसर खराब हुआ है तो पूरा उसको खोलना पड़ेगा, पूरा डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, और इसीलिए कंप्रेसर खराब होने के बाद जो है सबसे ज्यादा खर्च पड़ता है पूरे रेफ्रिजरेटर बनाने में, क्योंकि उसको पूरी तरह से तोड़ना पड़ेगा, अब वो सील्ड नहीं रहेगा। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है कि अगर पूरी तरह से अगर सील्ड है, हर्मेटिकली सील्ड है, तो पहली बात सबसे बात इसमें लीकेज का चांस नहीं रहेगा। हम लोग बताएं लीकेज हमारे रेफ्रिजरेटर यूनिट में लीकेज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कहीं भी अगर हमारा रेफ्रिजरेटर में अगर जो रेफ्रिजरेंट है वो लीक कर रहा है तो धीरे धीरे उसका रेफ्रिजरेंट खत्म हो जाएगा और वो ठंडा करना बंद कर देगा, फ्रिज आप लोगों का काम नहीं करेगा। मिस्त्री को बुलाएगा तो बोलेगा कि सर गैस खत्म है, गैस डालना पड़ेगा, कितना पड़ेगा भाई, 3,000 खर्च पड़ेगा, 4,000 खर्च पड़ेगा। ठीक है, तो लीकेज हमारे साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, और चूंकि रेफ्रिजरेटर जो घर में चलता है लगभग 24 घंटे चलता रहता है, अब 24 घंटे में अगर थोड़ा भी अगर लीकेज हो रहा होगा वो कितने साल तक चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो लीकेज हमारा प्रॉब्लम, ये तो हमारा खर्च के हिसाब से है। दूसरा जो उसमें फ्लूड इस्तेमाल हो रहा है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो रहा है, जो रेफ्रिजरेंट अगर लीक करता है तो वो एनवायरमेंट में जाएगा, एनवायरमेंट में जाएगा तो ओजोन का डिप्लीशन करेगा, वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। कुछ ऐसा रेफ्रिजरेंट होता है जो अगर लीक करेगा तो उसमें इन्फ्लामेबल टाइप का होगा, वो हो सकता है कि आग लगा सकता है। तो हम लोग किसी भी कीमत पे हम लोग अवॉइड करते हैं कि उसमें किसी भी तरह से लीकेज ना हो। तो हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आप लीकेज के चांसेस लगभग कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, मिनिमम होते हैं। और किसी भी रेफ्रिजरेशन यूनिट में लीकेज अगर सबसे ज्यादा होता है तो वो यही से होता है, कंप्रेसर से होता है, क्योंकि कंप्रेसर में मूविंग पार्ट होता है। अब मूविंग पार्ट तभी होगा जब दोनों के बीच कुछ ना कुछ अलाउंस होगा, अलाउंस चांस रहेगा वहां पर लीकेज का चांसेस बनेगा। हम लोग देखे थे किसी लीकेज को हटाने के लिए हम लोग वेपर एब्जॉर्प्शन लगाते हैं, वहां पर पंप को भी हटा करके हम लोग फिर जाकर के इलेक्ट्रोड लगाते हैं। तो इस कंप्रेसर यूनिट को बचाने के लिए हम लोग सेमी हर्मेटिकली इस्तेमाल करते हैं।
इसको घेरा हुआ होता है, इसमें लीकेज के चांसेस बहुत कम होते हैं। लीकेज नहीं होगा, घेरा हुआ रहेगा, इसमें नॉइज कम होगा, नॉइज कम होगा, ये ज्यादा इफिशियंट होगा। तो ये इसका बेनिफिट है हर्मेटिक शीट का, जब हम लोग सील कर देते हैं तो उसका हमारा बेनिफिट ये भी होता है। इसका लिमिटेशन क्या है, बहुत बड़े स्ट्रक्चर को आप उसको सील करके नहीं रख सकते, छोटा सा ही कंप्रेसर मोटर के यूनिट को आप सील करके रख सकते हैं, बड़ा यूनिट आएगा तो उसको सील नहीं कर सकते। तो इसका लिमिटेशन यही है कि स्मॉल साइज का लिमिटेशन इसका। दूसरा, थोड़ा सा खराब हुआ इसको आप रिपेयर नहीं कर सकते हैं, हो सकता है कि मोटर का थोड़ा सा क्वाइल जल गया हो, कंप्रेसर का बाकी यूनिट सही होगा लेकिन मोटर का क्वाइल जल गया हो। अब मोटर को क्वाइल सही करने के लिए आपको पूरा का पूरा जिसको सील को हटाना पड़ेगा, इसको आपको तोड़ना पड़ेगा, डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तो वो नहीं होता है, रिपेयर का चांस नहीं होता है। ये दो इसका मेन डिसएडवांटेज है, एक है कि स्मॉल यूनिट के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा लार्ज यूनिट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरा, इसका रिपेयरिंग का कॉस्ट ज्यादा होगा, यानी कि रिपेयर हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, रिपेयर के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा। दूसरा आता है हमारा सेमी हर्मेटिक। सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर में क्या है कि इसको थोड़ा सा लार्जर यूनिट में लोग इस्तेमाल करते हैं, लार्जर यूनिट, इसमें पूरी तरह से जो सील किए थे इसमें वेल्डिंग कर दिए थे एकदम, अब वो नहीं करते हैं, इसमें फ्लेक्सिबल सीलिंग करते हैं लोग, फ्लेक्सिबल सील होता है, यानी कि कसा हुआ तो होगा, बंद तो होगा, लेकिन वो नट बोल्ट पे कसा हुआ रहेगा, स्क्रू से कसा हुआ रहेगा, वेल्डिंग क्या वो नहीं रहेगा, यानी कि कभी रिपेयर करना हो तो उसको नट को खोल दिए, स्क्रू खोल दिए, रिपेयर किए, उसको बंद कर दिए, जैसे हो गया। तो ये जब महान लार्जर यूनिट के लिए हम लोग सेमी हर्मेटिक को इस्तेमाल करते हैं, जो इसका एडवांटेज होगा उसमें पूरी तरह से इसका एडवांटेज नहीं मिलेगा, लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि इसको हम लोग इजिली रिपेयर कर सकते हैं, इसको लो कॉस्ट में रिपेयर कर सकते हैं। लार्जर यूनिट को, बड़ा से बड़ा यूनिट को भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, फुल कटा लिए फिर लगा लिए। और सबसे आगे होता है ओपन टैंक, जहाँ पे आपको बहुत बड़ा लेवल रेफ्रिजरेशन यूनिट हो, जहाँ पे आप लोग एक पूरा एक बड़ा सा मॉल का एयर कंडीशनिंग कर रहे होंगे, कोई कोल्ड स्टोरेज का एयर कंडीशनिंग कर रहे होंगे, वहाँ पे कंप्रेसर काफी बड़ा चाहिए होता है, और उस कंडीशन में हम लोग को ओपन का हम लोग घेर नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग ओपन टाइप कंप्रेसर इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीन टाइप का कंप्रेसर आपको, हर्मेटिकल स्ट्रीट कंप्रेसर, सेमी हर्मेटिक और ओपन टाइप का। मेनली आपको जो एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा वो अगर स्पेसिफिक पूछा जाए तो पूछेगा कि हर्मेटिकल स्ट्रीट कंप्रेसर के बारे में आप लोग कुछ लिखे, नोट्स लिखने के लिए होगा, इजिली कर सकते हैं, बना देना ब्लॉक डायग्राम टाइप का, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख देना है। सेमी हर्मेटिक टाइप का, ओपन टाइप का, नॉर्मल कंप्रेसर जो होता है, जो आप लोग अभी साइकिल पे बताते हैं, अभी गाड़ी की दुकान पे गए हैं पंचर बनवाने, तो लोग का जो कंप्रेसर होता है वो ओपन कंप्रेसर है, एक तरफ सिलेंडर लगा हुआ है, यहाँ पे पिस्टन दोनों लगा हुआ दिखेगा, बीच में पिस्टन लगा हुआ दिखेगा, साइड में मोटर दिखेगा, तीन यूनिट सेपरेट शिफ्ट आपको मिल जाएगा। तो यही कंप्रेसर के बारे में है, और इसका पीडीएफ मिल जाएगा एक से दूसरे, और किताब से यूट्यूब से कुछ वीडियो देखना है, इसका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन ओके अगला में हम लोग पढ़ेंगे, और बाकी जो दो इंसान कंडेंसर और इवेपोरेटर पर, ठीक है।